कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल फाइनली शादी के बंधन में बन चुके हैं, अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर चुकी हैं न्यूली मैरिड कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल। जी हां, 9 दिसंबर के दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट होटल में कैटरीना और विकी ने बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई थी। 6 दिसंबर के दिन कैटरीना और विकी राजस्थान के लिए रवाना हुए थे अपने परिवार के साथ और बेहद प्राइवेट तरीके से उन्होंने इस शादी को रचाया है। बता दें आपको, 7 से 9 दिसंबर तक इस रॉयल वेडिंग के फंक्शंस चले हैं और हर दिन कैटरीना और विकी अपनी शाही शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें आपको, रिसेंटली मुंबई वापस लौटे हैं कैटरीना और विकी मालदीव्स की खूबसूरत वादियों में हनीमून पीरियड एंजॉय करने के बाद। कैटरीना और विकी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे को तकरीबन 2 साल तक डेट किया और अब दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। इसी दौरान देखा जाए तो कैटरीना और विकी को लेकर इसी बीच देखा जाए तो कैटरीना और विकी को लेकर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। वेल, आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे विकी कौशल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कैटरीना कैफ का नाम फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ा। अपने अफेयर को लेकर कैटरीना कैफ ही काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। वहीं विकी कौशल पर किस तरह से कई हसीनाएं फिदा हुई, विकी कौशल का नाम किन किन हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है, आइए जानेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की बार्बी डॉल कही जाने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ फाइनली एक्टर विकी कौशल के साथ शादी की बंधन में बन चुकी हैं। कैटरीना और विकी अपने खूबसूरत और प्यार भरे रिश्ते की मिसाल देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रिटीज और उनके बीटाउन की करीबी दोस्त उन्हें बधाई संदेश भेजते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं न्यूली मैरिड कपल कैटरीना और विकी जल्द ही अपना ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी होस्ट करने वाले हैं। खबरों की माने सामने आया है कि कैटरीना और विकी जल्द 20 दिसंबर के दिन मुंबई के JW मैरियट में रिसेप्शन पार्टी देने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सामने आया है कि विकी और कैटरीना ने रिसेप्शन के लिए इनविटेशन कार्ड तक भेज दिया है बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों को। इस लिस्ट में नाम शामिल है बच्चन फैमिली, चर्चित खान फैमिली, आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर और दबंग खान सलमान खान को भी। ऐसे में देखा जाए, जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी का कहर बरकरार है, वहीं भी जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को मद्देनजर रखते हुए इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने वाले गेस्ट को RT-PCR टेस्ट भी करवाना होगा और अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। ऐसे में देखा जाए तो कैटरीना और विकी के इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैटरीना और विकी ने अपनी जिंदगी की नई जर्नी की शुरुआत कर ली है और इस दौरान देखा जाए तो दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खोल रहे हैं। कैटरीना कैफ जो एक्टर विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बन चुकी हैं। तकरीबन 2 साल तक विकी कौशल को उन्होंने डेट किया, लेकिन अपने रिश्ते को कभी भी उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया।
लेकिन कैटरीना और विकी ने कभी भी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था और अचानक से शादी की खबर से सभी हैरान रह गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो कैटरीना विकी कौशल की दीवानी है, जो कैटरीना विकी की पत्नी बन चुकी है, उन कैटरीना कैफ से पहले विकी कौशल की जिंदगी में कई हसीनाओं की एंट्री भी हो चुकी है। इस बात से तो सभी वाकिफ है कि कैटरीना कैफ कितने भी इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि कैटरीना कैफ का नाम किन सुपरस्टार्स के साथ जुड़ चुका है। दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहीं दूसरी ही तरफ रणबीर कपूर को तकरीबन 6 साल तक कैटरीना ने डेट किया और अब कैटरीना विकी कौशल की पत्नी बन चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें, विकी कौशल के बारे में तो विकी कौशल की दीवानगी इस कदर देखने को मिली थी कि उनके लिए कई हसीनाएं हद से गुजरने के लिए भी तैयार थी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है एक्ट्रेस तापसी पन्नू का। रिपोर्ट्स की माने कहा जाता है कि एक्ट्रेस तापसी पन्नू विकी कौशल को चाहने लगी थी और उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी विकी कौशल के नाम ट्रांसफ़र करने का मन तक बना लिया था। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम है फिल्म दम लगा के हईशा की एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर। जी हां, विकी कौशल जिन्होंने भूमि पेडनेकर तक का ऑफर भी ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, बता दें आपको इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी का। कहा जाता है कि विकी कौशल और श्वेता त्रिपाठी ने जहां एक तरफ फिल्म मस्तान में साथ में काम किया था, लेकिन एक समय श्वेता भी विकी कौशल के साथ काम रिपीट लेकिन एक समय रिपीट लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब श्वेता विकी कौशल के साथ काम करना तक नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में विकी से ज़्यादा फीस लेकर इस फिल्म में उन्होंने काम किया। हालांकि फिल्म में काम करने के बाद श्वेता विकी कौशल को पसंद करने लगी और उन्होंने फिल्म की पूरी फीस तक वापस कर दी थी। वेल, विकी कौशल के साथ इन हसीनाओं का नाम जुड़ा, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में विकी कौशल का नाम एक्ट्रेस सोनम कपूर तक के साथ जुड़ चुका है। जहां एक तरफ विकी कौशल का नाम इन हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है, वहीं जानकर हैरानी होगी आपको कि विकी कौशल का नाम एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ भी जुड़ा था। यहां तक कि खबरें शादी को लेकर भी आने लगी थी। दरअसल बता दें आपको, फिल्म राजी में विकी कौशल और आलिया भट्ट एक साथ नजर आए। दोनों ने एक साथ काम किया है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कयास लगाना शुरू हो गया था उस वक्त कि आलिया भट्ट विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बनना चाहती हैं। लेकिन आपको बता दें कि आलिया और विकी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए देखे जाते हैं, एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं। वहीं आलिया कैटरीना कैफ की भी बहुत ही प्यारी सी दोस्त है। आलिया भट्ट जो एक्टर रणवीर कपूर को बीते लंबे समय से डेट कर रही हैं और अक्सर रणवीर और आलिया की शादी को लेकर भी अफवाहें उड़ती रहती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, साल 2018 में विकी कौशल की फिल्म लव पर स्क्वायर फुट रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी एक्ट्रेस अंगिरा धर। अंगिरा धर के साथ भी उनका नाम जुड़ा। इस तरह से विकी कौशल का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है। वेल, ये तमाम अफवाहें सामने आ चुकी
वेल, विकी कौशल का नाम तमाम हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है, हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ विकी कौशल ही बता सकते हैं। लेकिन विकी कौशल वाकई में हर किसी के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आते हैं और अब जल्द ही विकी कौशल नजर आएंगे सारा अली खान के साथ। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर वह काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कहा जा रहा है 23 दिसंबर से वह अपने काम पर लौट सकते हैं, तो वहीं सारा भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सारा ने कहा है कि विकी के साथ काम करना वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं। सारा अली खान और विकी कौशल जल्द ही आप सभी को नजर आएंगे रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में। वेल, विकी कौशल और कैटरीना कैफ फिलहाल अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और जल्द ही अपने काम पर वापसी कर सकते हैं। आप सभी ने देखा जाना कि विकी कौशल की अफेयर लिस्ट के बारे में। जी हाँ, विकी कौशल का नाम भी कई हसीनाओं के साथ जुड़ा है, लेकिन आज विकी कौशल और कैटरीना कैफ पति पत्नी बन चुके हैं, अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं और इस न्यूली मैरिड कपल को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। फिलहाल सभी को इंतजार है कैटरीना कैफ और विकी कौशल के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का। कहा जा रहा है 20 दिसंबर के दिन कैटरीना और विकी ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करेंगे। वेल, इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।